सपा में शिवपाल की वापसी मुश्किल। शिवपाल सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान। प्रसपा के भविष्य को लेकर दिया बड़ा बयान। मीडिया में सपा में वापसी पर दी अपनी राय। फिलहाल पार्टी के भविष्य पर फोकस करने पर जोर। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव को सपा में लाने की जोर आजमाइश की जा रही है। खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सख्त लहजे में कहा कि शिवपाल सिंह को पार्टी में वापस लाओ। मध्यस्थ लगातार सक्रिय हैं और सैफई में भी मंथन किया गया। लेकिन इस बीच शिवपाल सिंह का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया, जिसने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया और साफ कर दिया कि शिवपाल सिंह फिलहाल सपा में शायद ही वापस आए। शिवपाल सिंह ने सपा में वापसी के कयासों पर विराम लगाते हुए प्रसपा के विस्तार की बात कही और कहा कि परिवार में सब ठीक है, लेकिन प्रसपा के विस्तार पर मेरा अभी फोकस है। शिवपाल सिंह ने कहा कि फिलहाल वो सपा में वापसी के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह के लंबे अरसे से सपा में वापसी पर चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह पार्टी में वापस आएंगे, लेकिन जब मायावती ने गठबंधन तोड़ा तो प्रबल संकेत मिले कि शिवपाल सिंह अब जल्द ही सपा में आ जाएंगे। लेकिन अब खुद शिवपाल सिंह ने साफ कर दिया कि उनका फोकस फिलहाल अपनी पार्टी के विस्तार पर है और वो प्रसपा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में सपा में शिवपाल की वापसी का इंतजार देख रहे समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। साथ ही सैफई में जो बैठक की सूत्रों से खबर मिल रही थी, उस बैठक का फैसला क्या निकला, उसके भी संकेत शिवपाल सिंह यादव के इस बयान से साफ मिल गए हैं। आने वाले दिनों में अब क्या देखने को मिलेगा वो भविष्य बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।